राशि वो तो सिमी राज के साथ। ये सिमी ने फिर से राज को कॉलेज बुला लिया। पता है जाना, मुझे ना ये राज ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा नहीं लगने से क्या होगा, सिमी को तो अच्छा लगता है ना। हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर किसी दिन इस राज ने मेरे दोस्त को थोड़ा सा भी तकलीफ दिया ना तो मैं इसको ना छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। हाँ हाँ चल अब। सिमी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? वाह चेन। हाँ मैं पहन लूँ? हाँ मैं पहना देता हूँ तुम्हें। अच्छी लग रही है। सच में? अरे राखी देख राज आया है मुझसे मिलने। हाँ देख ही रही हूँ। चल हाय बोल। बाय राज। चल क्लास का टाइम हो रहा है। बाय राज। बाय, बाद में मिलते हैं। राखी तू भी ना। राखी ये क्या तरीका है राज से बात करने का? सिमी तुझे अच्छे से पता है ना तेरा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राखी तू जैसा समझते है वैसा है नहीं। देख राज मुझे आज चेन गिफ्ट किया है। एक चेन गिफ्ट करने से ना कोई लड़का अच्छा नहीं होता समझे। अरे तुम लोग बहस कर पाएंगे या क्लास भी जाना है? हाँ हाँ चल। ओए चुड़ैल गुस्सा है? हाँ दिखने रहा है गुस्सा हूँ। चल गुस्सा मत। तू पहले प्रॉमिस कर कि राज को दोबारा तू कॉलेज में नहीं बुलाएगी। चल ठीक है। सच्ची? सच्ची। तो चल। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। राखी ये क्या बदतमीजी है? राज तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। सिमी जो तू ये राज का केयर कर रही है ना अगर इसकी सच्चाई सुनेगी ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों क्या है इसकी सच्चाई? चल राज तू बताएगा या मैं बताऊं? सच्चाई बता। तू नहीं बताएगा ना? नहीं बताएगा ना साले तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिमी सिमी आज तूने मुझ पे हाथ उठाया अपने बेस्ट फ्रेंड पे वो भी इस लड़के के लिए? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है सिमी तूने, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। सिमी ये तूने क्या कर दिया? मैंने जो किया सही किया। राखी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रही थी। हाँ बदतमीजी कर रही थी पर पता है क्यों? क्यों? राखी सिमी क्यों नहीं आई? सिमी ने आने से मना कर दिया। मैंने बोला था उसको कि चल कॉफ़ी पीने कैफे चलते पर उसका वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना राज उसने मना कर दिया। और वैसे भी आजकल ना सिमी मेरे साथ कहीं आती जाती नहीं है। जब भी कहीं जाना होता है ना पहले वो राज से परमिशन लेती है तब भी वो मेरे साथ आने के लिए राजी होती है। अगर राज ने मना कर दिया ना तो वो मुझे भी मना कर देती है। इसीलिए मुझे वो राज ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये राज थोड़ा ज़्यादा ही नहीं कर रहा? हाँ कुछ ज़्यादा ही करता है। आज फैसला होके रहेगा कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा। चल बैठ। इसलिए ना इसलिए मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। देखा ऐसा हाल होता है। और ये बॉयफ्रेंड बनाते ही ना पता है बॉयफ्रेंड का क्या डिमांड होता है? ये मत कर ये हम मत कर ये मत पहन ये मत। और ये सिमी भी ना आजकल वैसे ही हो गया है इस रात के चक्कर में। सच में मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर झरना राज ने सिमी को धोखा दिया ना साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मार ही डालूंगा। राज ये लड़की क्या बोल रही है? राज तू बोल ये तेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मैं? आज तुझे फैसला करना ही होगा। राज का ये दोनों गर्लफ्रेंड है। हर तुम्हें बताना पड़ गया चुड़ैल तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है मैं। ए चुप करी चुप कर वरना तुझे वॉल पे चिपका दूंगी। बेबी देखो ना क्या बोल रही है चुड़ैल। बेबी तुम मुझसे प्यार करते हो ना बोलो ना इसको। बेबी तुम मुझसे प्यार करते हो ना मुझसे? चिप करी मेरा बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ तू छोड़ चुड़ैल छोड़ छोड़ ये मेरा बॉयफ्रेंड है राज। बेबी छोड़। बेबी कुछ बोलो ना यार मैं सच में तुझे वॉल में चिपका दूंगी छोड़ चिप करी छोड़ मुझे। मिमिता सॉरी मैं रिया से प्यार करता हूँ। क्या राज सच में तुम इस छिपकली से प्यार करते हो? ठीक है तब तो मेरा चेन वापस करो जो मैंने तुम्हें दिया था। ओ अच्छा तो राज ने तो सिमी को चेन दिया है ना वो राज का नहीं मिमिता का है। इसको गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत शौक है
ठटरी का ना भांडा तो फोड़ना ही होगा। अरे मिमिता मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। रिया तुम चलो अब निकलो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सारे कुत्ते तू रह चूल के साथ। चल झरना इस साले को इसकी औकात दिखाते हैं। बाय द वे राज, मैंने जो तुम्हें चेन दी थी वो कहाँ है? वो चेन मेरे दोस्त के पास है। राखी तू? राज अब ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ, मैं राज की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्यों राज? राज तुम्हारा और एक गर्लफ्रेंड है? हाँ, और तुमने जो चेन दिया है ना वो मेरे दोस्त के पास है। साले बहुत गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है ना। चल आज तुझे भी सिमी के सामने आज तेरा असली चेहरा दिखाता हूँ। झरना इस आइटम को लेके आ। चल साले आज मैं सिमी को बताऊंगी कि मैं गलत नहीं थी, बहुत अच्छे लड़के से प्यार किया है उसने। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो रोऊंगा नहीं बहन, मेरा दिल टूटा है, दिल चोर चोर हो गया। कैसे ना रो बहन, आज मेरा दिल चकना चोर हो गया है। अरे देखो रो मत, राखी लोग तो जा रही है और ये रो ही जा रही है। उठो ना, रो मत। कैसे ना रो बहन, मैंने पूरी एक महीने का प्यार था, एक महीने का, तुम नहीं समझोगी बहन दर्द क्या होता है दिल टूटने पर। मैं बर्बाद हो गई, भगवान मैं लूट गई। हाँ हाँ बहुत दर्द हुआ है तुम्हें, पूरा एक महीने का प्यार जो लूट गया। चलो चलो चलो, मैं लूट गई, मुझे धोखा मिला है, धोखा। और तूने क्या किया, राखी को ही थप्पड़ मार दिया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये ले तेरा चेन और दबाओ। ये मेरा चेन है, मैंने इसको दिया था, तू थप्पड़ खाने का ही लाएंगे। मेरा चेन, अब क्या देख रहे हैं, चल निकल। ये मैंने क्या कर दिया झरना, मैंने अपने फेस प्रिंट पे हाथ उठाया। हाँ सिमी तूने बहुत गलत किया, जा और राखी को मना। झरना राखी मुझे माफ नहीं करेगी। माफ करे या ना करे तू जाके सॉरी बोल। हाँ झरना तूने ठीक कहा, मुझे राखी को सॉरी बोलना चाहिए। राखी इन दोनों की दोस्ती भी ना, सिमी ने मुझे थप्पड़ मारा, सिमी ने मुझ पे हाथ उठाया। राखी राखी ये लड़की रोड के बीच में क्यों चल रही है? राखी साइड आ, राखी डॉक्टर साहब मेरे दोस्त कुछ बोल क्यों ले रही है? सर पे चोट लगने के कारण ब्रेन पे बहुत गहरी असर हुई है, जिसके कारण उनका ब्रेन तो काम कर रहा है पर वो शरीर के साथ उनके बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनकी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई है और उनका ब्रेन अभी भी काम कर रहा है। हो सके तो आप इनकी बॉडी में मूवमेंट लाइए, इन्हें हंसाइए, रुलाइए, गुस्सा दिलाइए, कुछ भी करिए पर इनकी बॉडी में मूवमेंट लाइए, क्योंकि मूवमेंट लाना बहुत जरूरी है वरना इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। हाँ हाँ वो सब सुन सकती है और समझ सकती है, बस आप ये करिए कि उनकी बॉडी में मूवमेंट लाइए। मैंने जो कहा वो करिए और आप अपने दोस्त का ख्याल रखिए, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं ऐसा क्या करूँ राखी तेरे बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए? हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो झरना, हम कल ड्रीमलैंड पार्क में जाएंगे राखी को लेके, ठीक है? राखी तू ठीक हो जाएगी, मैं तुझे ठीक कर कर ही रहूंगी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुई है। राखी आज मैं तुम्हें पार्क घुमाने लेके आई हूँ, ये तेरी फेवरेट पार्क है ना? सॉरी
सिमी, जो करने आए हैं वो करते हैं, चल। हाँ चल। राखी, ये देख, जन्ना तू भी आना। राखी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जन्ना। राखी देख, जन्ना गिर गई है। राखी देख तो सही। कुछ तो बोल, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती राखी। राखी कुछ तो बोल, देखना जन्ना, राखी कुछ नहीं बोल रही है। राखी कुछ तो बोल। सिमी मत रो, हिम्मत मत हार, मेरे पास और एक आइडिया है। क्या? रुक, मैं अभी आती हूँ। ये देख राखी, मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ, पर तेरे लिए नहीं, झरना के लिए। और ये आइसक्रीम मैं झरना को देने वाली हूँ, क्योंकि अब से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, झरना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तू चेयर में बैठी रहे, ले झरना आइसक्रीम खा। देख राखी, हम खा रहे हैं, जल्दी। देख झरना, राखी अभी भी रिएक्शन नहीं दे रही है। इसे राखी की ये हालत देखी नहीं जाते झरना। सिमी, सिमी, ये सिमी भी ना मेरे जाने से टूटा है तू। सिमी तू मत रो, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। राखी चल अब घर चलते हैं। राखी आज तुझे पार्क घूम के अच्छा लगा ना? कौन आया इतनी रात को? साड़ी खोल, आज तेरे को मार के रहूंगा मैं, आज तेरे को मार के मेरा शांति होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे थप्पड़ मारा था ना तूने, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे मार के मेरा बदला पूरा होगा। तेरी दोस्त को तेरी जरूरत है राखी, उठ राखी। मार के जाऊंगा तुझे, मार के मेरा बदला पूरा होगा। अगर मेरी दोस्त को एक भी खरोचा ही ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। राखी साले, तू मेरे दोस्त को जान से मारेगा? राखी तो ठीक हो गई राखी, मैं बहुत खुश हूँ राखी। हाँ सिमी, मैं ठीक हो गई। ये तुझे जान से मारना चाहता है ना? साले तू मेरे दोस्त को जान से मारेगा? देखो नकली चाकू है ये, सब एक नाटक था तुझे ठीक करने के लिए। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, राज मेरा साथ दे रहा था और मुझे वो मारने वाला नहीं था। सिमी अगर तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो राखी से क्या होगा? झरना 3 महीने से राखी को व्हीलचेयर में बैठे हुए देख रही हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जिससे राखी के बॉडी में कुछ मूवमेंट हो, फिर भी राखी के बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। सिमी हम लोग तो एक बात भूल ही गए, क्या डॉक्टर ने क्या कहा था? राखी की बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए उसको हंसाओ, रुलाओ और गुस्सा दिलाओ, और हमने तो गुस्सा दिलाया ही नहीं। ये बात मैं कैसे भूल गई, राखी को गुस्सा दिलाना होगा, पर कैसे क्या करे? राज, हेलो राज, तुम मेरे घर आ सकते हो? तुम्हें मेरे घर आके प्लीज राज मना मत करना, मेरे दोस्त को मुझे ठीक देखना है। हाँ ठीक है, आओ। क्या बोला राज ने? राज आएगा? हाँ राज आएगा, चल राखी को लेकर घर चलते हैं। राखी तू मुझे जितना बुरा समझती है मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। तू पागल हो गई है क्या? मुझे ठीक करने के लिए तू ये सब कर रही थी, तो मैं और क्या करती राखी? मुझसे तेरी वो हालत देख ही नहीं जाती। बस तू ठीक हो गई है ना, बस यही काफी है राखी। ठीक हो गई राखी, तो ठीक हो गई। हाँ सिमी मैं ठीक हो गई, देख मैं ठीक हो गई।